क्या फैंस के उदास मन को मिल जाएगा चैन? अपनी जन्मभूमि आरा से कर्मभूमि लौटे पवन सिंह क्या देंगे अब उन्हें एक से बढ़कर एक गानों के धमाके? भाई पवन सिंह जब जब अपने काम पर वापस लौटे हैं तब तब जनता के सामने उन्होंने कुछ बड़ा ही ब्लास्ट किया ही किया है। और हाल ही में बोलबम गीतों को अपनी प्यारी जनता को सौंप कर पवन सिंह अपनी जन्मभूमि आरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने काफी समय अपने लोगों अपने परिवारजन के साथ बिताया। मगर अब पावर हाउस फिर से अपनी कर्मभूमि यानी कि मुंबई वापस आ चुके हैं। कल ही हमने आपको हमारे चैनल के जरिए पवन सिंह का वो वीडियो दिखाया था जिसमें वो स्टेशन पर ट्रेन में मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं और उनके चहेते उनको प्यार करने वाले स्टेशन पर उनको अलविदा कहने, उन्हें आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी शुभकामनाएं देने कई सौ लोगों की तादाद में पहुंचे थे। ऐसे में पवन सिंह जब मुंबई आ चुके हैं तो जाहिर है कि सब जानते हैं कि वो खाली तो नहीं बैठेंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा प्लान जरूर कर रहे हैं। और होने को ये भी हो सकता है कि वो अब अपने उन एल्बम्स पर काम पूरा करें जो कि उनकी फिल्मों के चलते आधे में ही लटके हुए थे यानी रोक दिए गए थे। आप समझ चुके होंगे कि हम किन एल्बम्स की बात कर रहे हैं। पावर स्टार के एल्बम जो कि समय से आने थे, जिनके कुछ की वीडियो शूट थी तो कुछ के ऑडियो रिकॉर्ड होने बाकी थे, वो पूरे किए जाते उससे पहले ही एक्टर नेपाल में अपनी फिल्म सिंग इज फायर की शूटिंग में व्यस्त हो गए और उसके बाद बोलबम गीतों में। ऐसे में उनका सब काम लगभग निपट चुका है तो हो सकता है कि पावर हाउस अब अपने इन एल्बम्स को एक्टिव कर उन पर काम पूरा करने के बारे में सोचे। और हो ना हो, जहां तक हमें जानकारी है तो रक्षाबंधन के बाद हो सकता है कि आपको इन एल्बम से जुड़ी कोई ना कोई बड़ी और तगड़ी डिटेल जरूर मिल जाए, क्योंकि इतने दिन का इंतजार ना ही पावर हाउस के फैंस करने वाले हैं ना ही वो करवाने वाले हैं। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इन एल्बम से जुड़ा मसाला जानकारी आप सभी तक आने वाले दिनों में आ जाए। अब देखते हैं कि हमारा लगाया अंदाजा कितना सही बैठता है और एल्बम के ब्लास्ट उनकी जानकारियां कितने दिनों तक यानी कि कितने दिनों में हमें और आपको देखने को मिलती है। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।